दोस्तों आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत जिला रीवा के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि रीवा जिले की कई ऐसे रोमांचक बातें हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों रीवा की शानदार सफर में। रीवा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। रीवा शहर, रीवा जिला और रीवा संभाग का मुख्यालय भी है। वहीं रीवा जिला तकरीबन 6,240 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले की जनसंख्या 23,65,000 से ऊपर थी। रीवा जिले में 1,000 पुरुषों पर 930 महिलाएं हैं। वहीं जिले की प्रत्येक आबादी 380 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। रीवा एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां भारत में सबसे पहले सफेद बाघ की खोज हुई थी, जिसे महाराजा मार्तंड ने 1951 में की थी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में ही स्थित है। वहीं रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, सिंगरौली, सीधी, रीवा और सतना। इसके अलावा रीवा जिला 11 तहसीलों में बटा हुआ है। मऊगंज, हुजूर, हनुमना, नईगढ़ी, जवा, त्योथर, रायपुर, करचुलियान, गुड़, सिरमौर, सिमरिया और मनगवा शामिल है। वहीं रीवा जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। रीवा के उत्तर पूर्व में इलाहाबाद जिला, दक्षिण में सीधी जिला और पश्चिम में सतना जिला स्थित है। रीवा जिले की कुल आबादी में 96% हिंदू, 3% मुसलमान, बाकी 1% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रीवा से लगभग 480 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं रीवा शहर की वाहन पंजीकरण कोड MP17 है। रीवा जिले में ही एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित हो रहा है। वहीं रीवा जिले में ही देश की पहली व्हाइट टाइगर सफारी शुरू हुई थी। इसके अलावा रीवा जिले में ही मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। वहीं रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा तालाब भी मौजूद है। रीवा जिला खासकर अपने प्राकृतिक सुंदरता से भरा गोविंदगढ़ महल के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा रीवा अपने बहुत ही जलप्रपात के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है। वहीं रीवा मध्य प्रदेश का इकलौता जिला है जहां 60 किलोमीटर के दायरे पर 4 वाटरफॉल देखने को मिलता है। यही कारण है कि रीवा को मध्य प्रदेश का झरनों का जिला कहा जाता है। इतना ही नहीं, रीवा शहर को मध्य प्रदेश राज्य में तेजी से विकसित होने वाले शहरों में गिना जाता है। रीवा जिले की कुल साक्षरता दर 74% है। वहीं शिक्षा संस्थानों में गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, वुमेन्स ITI, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं सौदामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और बघेली अपनी पहली भाषा के रूप में बोलते हैं। यहाँ के इतिहास को देखें तो रीवा कभी एक बहुत ही बड़ी रियासत हुआ करता था। कलकल करती बिहार एवं बिछिया नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा शहर बघेल वंश के शासकों का राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रही है। वहीं इस क्षेत्र में बघेल वंशजों के पहले कलचूरी, चंदेल एवं प्रतिहार वंशजों का शासन रहा है। ऐतिहासिक प्रदेश रीवा विश्व जगत में सफेद बाघों की धरती के रूप में भी जाना जाता रहा है। रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा था, जो कि नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहलाता है। रीवा कैसे पहुंचे? रीवा शहर का रीवा रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन रीवा जिले का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है।
ये रेलवे स्टेशन भारत के सभी रेल नेटवर्क वाले शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रीवा अपने सड़क मार्ग के जरिए मध्य प्रदेश और अपने पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप रीवा आसानी से पहुंच सकते हैं। रीवा जिले में कई खूबसूरत पर्यटक स्थलें भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। आइए जानते हैं रीवा के उन खूबसूरत पर्यटक स्थलों को, जिनके बिना रीवा शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर एक, पियावन घिनौची धाम। रीवा से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पियावन घिनौची धाम एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान है। प्राकृतिक की सुंदरता में बसा घिनौची धाम धरती से लगभग 200 फीट नीचे स्थित है। यहाँ प्राकृतिक झरने का श्रेय भगवान भोलेनाथ का 12 महीने निरंतर जलाभिषेक कराता है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यह स्थान प्राकृतिक झरनों के साथ साथ एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट भी है, जहाँ स्थानियों के साथ साथ दूर दराज से लोग आते हैं। नंबर दो, बहुत ही जलप्रपात। प्राकृतिक सुंदरता से भरा बहुत ही जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यह जलप्रपात सेलर नदी पर बना हुआ है। वहीं यह झरना 650 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है, जो रीवा से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर तीन, पुरवा जलप्रपात। रीवा के सबसे खूबसूरत स्थानों में से पुरवा जलप्रपात एक प्राकृतिक सुंदरता से भरा 200 फीट ऊंचा झरना है। यह खूबसूरत जलप्रपात रीवा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर चार, सफेद बाघ की सफारी। रीवा भ्रमण के दौरान प्राकृतिक सुंदरता से भरा रीवा से लगभग 27 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर सफेद बाघ की सफारी घूमने जा सकते हैं। मुकुंदपुर सफारी रीवा की लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो सच में एक खूबसूरत स्थान है। आप यहां जरूर जाएं। नंबर पाँच, देउर कोठार। अगर आप एक ऐतिहासिक प्रेमी हैं, तो रीवा से 66 किलोमीटर दूर देउर कोठार जरूर जाएं। यह पुरातात्विक स्थल प्राचीन बौद्ध स्तूपों के साथ बताने के लिए एक महान इतिहास है, जो आपको यहां मिलेगा। यह प्राचीन स्तूप लगभग 2000 साल पुराने और अशोक के शासन काल से संबंध बताए जाते हैं। यहाँ पर आपको मिट्टी की ईंटों से बने तीन बड़े स्तूप और 43 विभिन्न पत्थरों में से कई छोटे स्तूप मिलेंगे, जो पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहाँ स्थानियों के साथ साथ आसपास के पर्यटकों का भी आगमन होता है। रीवा के इन सभी खूबसूरत पर्यटक स्थलों के अलावा यहाँ पर और कई सारे खूबसूरत पर्यटक स्थलें भी मौजूद हैं, जिनमें रानी तालाब, चचाई जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, रीवा का किला, गोविंदगढ़ प्लेस और तालाब, सोलर पार्क, रुड़ेश्वर नाथ मंदिर, साई मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, देव तालाब, फूलमती माता, अष्टभुजी देवी, बसामन मामा मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, हनुमान मंदिर एवं कष्टहर नाथ शिवलिंग यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थले हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।